दोस्तों, आज की हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। हमारे पास एक ये कीपैड का मोबाइल है, लावा हीरो। इस फ़ोन में दोस्तों ये दिक्कत है कि इस फ़ोन में जैसे ही बैटरी डालते हैं तो ये फ़ोन अपने आप चालू हो जाता है। अब ये फ़ोन अपने आप चालू क्यों होता है? जब मैंने इसको मल्टीमीटर से इसकी पीसीबी को चेक किया तो वहाँ जो पावर की वाला बटन है, उस बटन पे हाफ शॉर्टिंग आ रही है। और ये हाफ शॉर्टिंग सीधा दोस्तों मैंने ट्रेस किया तो पता लगा कि ये पावर आईसी से आ रही है। तो दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे ये फ़ोन बिना कोई बटन दबाए अपने आप ही ऑन हो गया। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी पावर की जो है उसकी लाइन में हाफ हाफ शॉर्टिंग है, जिसे लीकेज भी कहते हैं। तो दोस्तों इसकी हम सबसे पहले आईसी निकाल के रिवॉल्व करके लगाएंगे, अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो हमें इसकी पावर आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पहले हम इसको फ़ोन को खोल लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप आगे ऐसे ही सीखते रहें। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों हमने इसके बोर्ड को बाहर निकाल लिया है, तो सबसे पहले ये जो इसकी सिल्वर प्लेट है आईसी के ऊपर जो कवर है, इसको हटाना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों देखो, मैंने आईसी को निकाल भी लिया और आईसी को रिवॉल्व भी कर लिया। मैंने वीडियो को थोड़ा इसलिए भगा दिया था, नहीं तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती। तो दोस्तों अब हम इसमें लगा के देखेंगे इस आईसी को, और देखेंगे जो हमारा फ़ोन बैटरी लगाते ही अपने आप चालू हो जा रहा था बिना पावर की दबाए, वो सही होता है या नहीं। तो ये दोस्तों अब हम आईसी को लगाएंगे। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये वाइट वाला फ्लक पेस्ट लेना है, और बहुत ही हल्का सा चिमटी से दोस्तों बहुत ही हल्का हल्की मात्रा में इस पीसीबी पे लगा देना जहाँ हमें आईसी चिपकानी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पेस्ट लगा दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें आईसी को बिल्कुल जिस डायरेक्शन में निकालते समय आईसी लगी थी उसी डायरेक्शन में लगाना है। देखिए दोस्तों पहले मैं इसे एकदम सही से बिठा लेता हूँ।
थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको भी देखने में आसानी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब हमने अपनी आईसी को एकदम सही डायरेक्शन में बिठा दिया है। अब हम इस पर हल्की हल्की हीट मारेंगे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, आपको हीट रखनी है 400 और एयर तो आप 1 पे करें। उसके बाद आप जब आपकी SMD हीट फेंकने लगे तब आप इसके चारों ओर आईसी के SMD को ऊपर से घुमाते रहें। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं करने जा रहा हूँ। और दोस्तों अपनी नज़रों को आईसी पे बनाए रखें, क्योंकि जैसे इसकी बॉल मेल्ट होगी आईसी अपनी जगह से बहुत हल्का सा हिलेगी। और हमें आईसी को फिर हिला के देखना है हल्का सा। देखिए दोस्तों, आईसी अपनी जगह पे सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएट और डालेंगे इसके चारों ओर। और इसके बाद हम आईसी पे दोबारा हीट मारेंगे। दोस्तों आपकी आपको आईसी को हल्का सा हिला के देख लेना। अब दोस्तों हम कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे ऑन करके देखेंगे। देखेंगे हमारी जो फ़ोन अपने आप ही चालू हो जा रहा था वो प्रॉब्लम सही हुई या नहीं हुई, पावर की हाफ शॉर्टिंग गई या नहीं गई। तो दोस्तों हम बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं पहले। अब हम अपनी PCB को क्लीन करेंगे। हम दोस्तों हम इसे बोर्ड में फिट करके देखेंगे कि हमारी वो प्रॉब्लम सही हुई या नहीं हुई।
दोस्तों हम बैटरी लगा के देखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने बैटरी लगा दी है, देखिए अभी खुद ऑन होता है या पावर की प्रेस करने पे ऑन होता है। तो दोस्तों अभी तक तो ये ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम सही हो चुकी है, नहीं तो ये अपने आप ही ऑन हो जाता। अब हम इसकी पावर की को शॉर्ट करेंगे और देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा फ़ोन पावर की शॉर्ट करते ही ऑन हो गया, नहीं तो ये पहले अपने आप ही ऑन हो रहा था बैटरी लगाने पे बिना पावर की दबाए, और अब हम पावर की प्रेस कर रहे हैं तब ये ऑन हो रहा है। इसका मतलब हमारा फ़ोन ओके हो चुका है, हमारी जो पावर की वाले ट्रैक में जो हाफ शॉर्टिंग थी वो चली गई है। तो दोस्तों अब हम इसके बबल पैड को फिट कर लेते हैं। पहले मैं इसकी बैटरी निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।